बसमिल डियर स्टूडेंट्स माय इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ़ ग्रेड नाइन टुडे आर टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशंस एंड इनक्वेलिटीज आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लीनियर की डेफिनेशन समझेंगे और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो वेरिएबल एक्स यहां पे मैंने यूज किया है वेरिएबल वाई भी हो सकता है जी भी हो सकता है तो किसी भी एक अननोन वेरिएबल के साथ मैक्सिमम पावर उस वेरिएबल की वन होगी तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी अब ये ए और बी ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों शामिल होते हैं एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स ही खत्म हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी इसलिए ए का जीरो ना होना जरूरी है अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर वन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस अब इसका फर्स्ट पार्ट है टू बाय थ्री एक्स माइनस वन बाय टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय सिक्स अब इस इक्वेशन में एक वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है और जहां पे भी एक्स आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर देखें वन है अब इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम जो गिवन है इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे टू बाय थ्री एक्स माइनस वन बाय टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय सिक्स अब दोनों साइड्स पे इक्वेशन की टू थ्री और सिक्स तीन डिनमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लें तो सिक्स एलसीएम आ जाएगा तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय सिक्स आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं एलसीएम भी इसका सिक्स ही आएगा और इस मेथड से भी कर सकते हैं जिस तरह मैं आपको करा रहा हूं सिक्स से टू बाय थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय सिक्स ये थ्री सिक्स के साथ कटिंग हो जाएगी थ्री टू हजार सिक्स टू की सिक्स के साथ कटिंग हो जाएगी टू थ्री हजार सिक्स और ये सिक्स सिक्स से कैंसल हो जाएगा अब टू को टू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स प्लस वन अब एक्स की तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें ये राइट right साइड पे प्लस सिक्स एक्स है लेफ्ट साइड पे आके माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू वन फोर माइनस थ्री रिजल्ट वन आ जाएगा वन माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू वन अब माइनस फाइव राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन ओवर फाइव तो सॉल्व द इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनोन वेरिएबल तो अन वेरिएबल इस इक्वेशन में एक्स था जिसकी वैल्यू हमने माइनस वन ओवर फाइव फाइंड कर ली जी स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन का पार्ट थ्री सॉल्व करेंगे वन बाय टू इंटू एक्स माइनस वन ओवर सिक्स प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स प्लस वन ओवर थ्री इंटू वन बाय टू माइनस थ्री एक्स अब ये वन बाय टू इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू को वन बाय सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वन बाय ट्वेल्व आ जाएगा प्लस टू बाय थ्री इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स प्लस वन बाय थ्री को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करें तो वन बाय सिक्स आ गया प्लस माइनस माइनस वन बाय थ्री को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री से कैंसल हो जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा अब एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड पे ले आए एक्स बाय टू ये माइनस एक्स है लेफ्ट साइड पे आके प्लस एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म्स जो विदाउट वेरिएबल है उनको राइट right साइड पे ले जाएं फाइव बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय ट्वेल्व राइट साइड पे जाएगा तो प्लस वन बाय ट्वेल्व हो जाएगा और प्लस टू बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री आ जाएगा अब इसका एलसीएम टू आ गया यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस इसका डिनोमिनेटर चूंकि वन है तो टू को वन पे डिवाइड करें रिजल्ट टू आया टू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया टू एक्स आ गया राइट साइड पर एल लें तो एलसीएम ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेल्व को सिक्स पे डिवाइड करें टू आया टू फाइव जार टेन यहाँ पे भी सिक्स पे डिवाइड करेंगे टू आएगा टू वन जार टू को ट्वेल्व पे डिवाइड किया वन वन मल्टीप्लाई बाय वन वन ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री फोर फोर टू जार एट एक्स प्लस टू एक्स करें तो थ्री एक्स ओवर टू इज इक्वल टू टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन थर्टीन माइनस एट फाइव ओवर ट्वेल्व अब ये ट्वेल्व राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स ओवर टू इज इक्वल टू फाइव टू और ट्वेल्व की कटिंग हो जाएगी टू सिक्स 12, थ्री दार एटीन एक्स इज इक्वल टू फाइव और एटीन अब राइट right साइड पे जाके डिवाइड होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइव ओवर एटीन अब ये x की वैल्यू जो 5 ओवर 18 आई है इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे वेदर बोथ साइड आर इक्वल और नॉट अगर एक्स की इस वैल्यू से दोनों साइड का रिजल्ट सेम आएगा तो ये सोल्यूशन होगा अदरवाइज इसका सोल्यूशन एम होगा तो अब इसका चेक करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू फाइव ओवर एटीन इन गिवन इक्वेशन अब गिवन इक्वेशन है हमारे पास वन बाय टू इंटू एक्स माइनस वन ओवर सिक्स एक्स की जगह फाइव ओवर एटीन आ जाएगा माइनस वन ओवर सिक्स प्लस टू बाय थ्री इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स प्लस वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू माइनस थ्री एक्स की जगह फिर फाइव ओवर एटीन आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया है अब इसका एलसीएम लेंगे पहले या एलसीएम लेने से पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें ताकि इकट्ठा एलसीएम लिया जा सके इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू फाइव फाइव ओवर टू मल्टीप्लाई बाई एटीन थर्टी सिक्स माइनस वन बाय टू को वन बाय सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वन बाय ट्वेल्व आ जाएगा प्लस टू बाय थ्री इज इक्वल टू ये कटिंग हो जाएगी थ्री सिक्स 18 एटीन तो ये फाइव बाय सिक्स प्लस वन बाय थ्री को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करें तो वन बाय सिक्स आ गया प्लस माइनस माइनस ये फाइव ओवर सिक्स है फाइव ओवर सिक्स को वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करें तो फाइव ओवर एटीन आ जाएगा अब इसका एल्सियम थर्टी सिक्स इसका एल्सियम आ जाएगा थर्टी सिक्स को थर्टी सिक्स पे डिवाइड किया वन आया वन इंटू फाइव फाइव माइनस थर्टी सिक्स को ट्वेल्व पे डिवाइड करें थ्री आएगा थ्री वन बार थ्री प्लस थर्टी सिक्स को थ्री पे डिवाइड किया तो रिजल्ट ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व टू हजार ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू इधर एल लें तो एल सी एम एटीन आ जाएगा एटीन को सिक्स पे डिवाइड किया थ्री थ्री फाइव हजार फिफ्टीन एटीन डिवाइडेड बाय सिक्स थ्री थ्री वन हजार थ्री माइनस एटीन को एटीन पे डिवाइड किया वन वन मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव आ गया अब ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन में से थ्री को माइनस करें तो रिजल्ट आएगा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ओवर थर्टी सिक्स आ गया इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एटीन माइनस फाइव थर्टीन ओवर एटीन अब यहां पे लेफ्ट साइड पे कटिंग हो रही है टू के टेबल में टू थर्टीन रार ट्वेंटी सिक्स और टू एटीन रार थर्टी सिक्स इसकी कटिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड पे थर्टीन ओवर एटीन इज इक्वल टू राइट साइड पे भी थर्टीन ओवर एटीन है तो x की वैल्यू फाइव बाई एटीन गिवन इक्वेशन में हमने पुट की तो बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आया इसलिए ये जो x की वैल्यू निकली है फाइव ओवर एटीन ये वैल्यू हमारा सोलूशन होगा तो सोल्यूशन में आपने एंड पे लिख देना है फाइव ओवर एटीन जो लास्ट बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें भी चेक करना जरूरी है इसी मेथड से आप वहां पे भी चेक करेंगे अगर जो वैल्यू एक्स की निकली थी वो गिवन इक्वेशन में पुट करके बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन सेम रिजल्ट दें तो सोल्यूशन होगा अदरवाइज नो सोल्यूशन लिखा जाएगा जी स्टूडेंट्स अब पार्ट फाइव सॉल्व करेंगे फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ओवर नाइन अब यहाँ पे देखें आपको दो डिनोमिनेटर्स नज़र आ रहे हैं एक सिक्स है और एक राइट right साइड पे डिनोमिनेटर नाइन है सिक्स और नाइन का एलसीएम लें तो एलसीएम एटीन आ जाएगा मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय एटीन फर्स्ट टर्म फाइव इन टू एक्स माइनस थ्री ओवर सिक्स है इसको एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एटीन मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एटीन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एटीन मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर नाइन ये सिक्स वन जार सिक्स सिक्स थ्री जार एटीन कटिंग हो गई और यहाँ पे नाइन वन जार नाइन नाइन टू जार एटीन कटिंग हो गई अब थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा फिफ्टीन इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस एटीन को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एटीन एक्स आ गया इज इक्वल टू एटीन मल्टीप्लाई बाय वन एटीन माइनस टू एक्स अब इसको मल्टीप्लाई कर दे फिफ्टीन एक्स माइनस फोर्टी फाइव माइनस एटीन एक्स माइनस टू एक्स को लेफ्ट साइड पे ले प्लस टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एटीन अब फिफ्टीन माइनस एटीन माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स और ये माइनस फोर्टी फाइव राइट साइड पे जाके प्लस फोर्टी फाइव हो जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव और एटीन को ऐड करें तो ये आ जाएगा टेन ऐड किए फिफ्टी फाइव और सिक्सटी थ्री अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए बोथ साइड्स पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और सिक्सटी थ्री नेगेटिव हो जाएगा ये एक्स की वैल्यू आ गई अब इस एक्स की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे हम पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी थ्री इन गिवन इक्वेशन अब गिवन एक्वेशन में फाइव इन टू एक्स की जगह माइनस सिक्सटी थ्री आ जाएगा माइनस थ्री ओवर सिक्स माइनस एक्स तो एक्स की जगह फिर माइनस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू वन माइनस एक्स की जगह माइनस सिक्सटी थ्री ओवर नाइन और चूंकि बाहर भी माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें माइनस सिक्सटी थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्सटी सिक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस इनटू माइनस प्लस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू वन माइनस इनटू माइनस प्लस नाइन के टेबल में इसकी कटिंग हो रही है नाइन सेवन सिक्सटी थ्री तो ये सेवन आ जाएगा अब सिक्स और सिक्सटी सिक्स की कटिंग हो रही है सिक्स वन रिक्स सिक्स सिक्स इलेवन सिक्सटी सिक्स फाइव इंटू माइनस इलेवन करें तो माइनस फिफ्टी फाइव डिनोमिनेटर में वन आ गया वो लिखना जरूरी नहीं है प्लस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू वन प्लस सेवन एट अब माइनस फिफ्टी फाइव प्लस सिक्सटी थ्री इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट एट आ जाएगा राइट साइड को सॉल्व करने से भी एट आया तो एक्स की वैल्यू माइनस सिक्सटी थ्री पुट करने से गिवन इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम है इसलिए यही सोल्यूशन होगा तो अगर ये रिजल्ट सेम ना आता सोल्यूशन एम टी सेट या नो no सोल्यूशन लिखा जाता है। जी स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट सॉल्व करते हैं टू एक्स ओवर टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू बाय थ्री माइनस फाइव ओवर फोर एक्स प्लस टेन अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन हैं इसलिए एक्सप्रेशन वाली वैल्यूज एक साइड पे हम इकट्ठी कर लेंगे ये नेगेटिव साइन के साथ है लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी टू एक्स ओवर टू एक्स प्लस फाइव प्लस फाइव ओवर फोर एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू टू बाई थ्री अब यहां से टू कॉमन आ रहा है अगर हम यहां से टू कॉमन ले लें तो रिमेनिंग टू एक्स प्लस फाइव बचेगा जो फर्स्ट फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे सबसे पहले अब इनका एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में टू एक्स प्लस फाइव तो कॉमन फैक्टर है और टू अनकॉमन है तो एलसीएम इसका आ जाएगा टू इन टू टू एक्स प्लस फाइव अब एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो टू एक्स प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा टू बचेगा टू को न्यूमिनेटर टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो टू टूर फोर एक्स अब एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो रिजल्ट वन आएगा वन इंटू फाइव फाइव इज इक्वल टू टू ओवर थ्री अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है राइट right साइड पे भी फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थ्री इंटू फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू इंटू टू एक्स प्लस फाइव तो ये टू टू जार फोर हो जाएगा इंटू टू एक्स प्लस फाइव अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थ्री फोर ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री फाइव जार फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर टू जार एट एक्स प्लस फोर फाइव जार ट्वेंटी एट एक्स को लेफ्ट साइड पे ले माइनस हो जाएगा और प्लस फिफ्टीन राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा ट्वेल्व माइनस एट फोर एक्स ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन फाइव तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी फाइव ओवर फोर अब ये x की वैल्यू फाइव बाय फोर हम गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे

फाइव बाय फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू टू बाय थ्री माइनस फाइव ओवर फोर इन टू फाइव बाय फोर प्लस टेन अब ये टू टू जार फोर कटिंग हो गई और टू टू जार फोर यहाँ भी कटिंग हो गई तो so, न्यूमिनेटर में फाइव बाय टू बच गया डिवाइडेड बाय फाइव बाय टू प्लस फाइव इज इक्वल टू टू ओवर थ्री माइनस फाइव ओवर ये फोर इस फोर से कैंसिल हो जाएगा फाइव प्लस टेन फिफ्टीन आ गया अब इसका डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम लेंगे फाइव ओवर टू न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा इसका एलसीएम टू आ गया टू को टू पे डिवाइड किया वन वन इंटू फाइव फाइव इसका डिनोमिनेटर वन है तो टू को वन पे डिवाइड करें टू आया टू फाइव जार टेन इज इक्वल टू राइट साइड पे एलसीएम लें तो फिफ्टीन एलसीएम आ जाएगा फिफ्टीन डिवाइडेड बाय थ्री फाइव फाइव टू जार टेन माइनस फिफ्टीन को फिफ्टीन पर डिवाइड किया वन वन इंटू फाइव फाइव अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन हैं और दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो ये टू इस टू से कैंसल हो जाएगा न्यूमिनेटर में बच गया फाइव ओवर फाइव प्लस टेन डिनोमिनेटर में फिफ्टीन बचा इज इक्वल टू टेन माइनस फाइव फाइव ओवर फिफ्टीन इसकी कटिंग हो रही है फाइव वन दर फाइव फाइव थ्री दर फिफ्टीन यहाँ पे भी सेम कटिंग हो गई तो वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय थ्री तो फाइव बाय फोर जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो गिवन इक्वेशन में पुट करने से गिवन इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम है तो फाइव बाय फोर इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर वन के कुछ पार्ट्स सॉल्व किए जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं कराए वो बिल्कुल इसी मेथड से होंगे वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़